सुबह सुबह क्लास लेने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, खाना खाने के बाद हम दोबारा से अपने विश्राम रूम में आ गए हैं। और इससे पहले क्लिप देख लो जाके। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है गमला चोरी की। मतलब एक वीडियो वायरल जा रही है गमला चोरी की। तो उसमें जो था ना, जो जिस गाड़ी में वो लोग रख रहे थे, तो उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी जो कि एलविस यादव की किसी मीटअप या उनकी वीडियो पे देखी गई है मीटअप में। तो क्या हुआ, अब लोग इसके लिए एलविस यादव पे बोल रहे हैं कि एलविस यादव गमला चोर, ये वो हैशटैग चल रहे हैं भाई, क्या क्या चल रहा है, कुछ भी। मतलब सेंस ही नहीं बना दी ये बात। अब मीटअप पे इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, ये वो है, और उसके बाद ट्विटर पे हैशटैग चलने लगा कि एलविस यादव गमला चोर। तो अब कुछ लोग अगेंस्ट थे, कुछ लोग उनकी साइड में थे। तो बहुत सारे ट्वीट आए, उसमें एक ट्वीट था यार, किसका, लक्ष्य भैया का था एक ट्वीट बहुत तगड़ा। मतलब उनने रिप्लाई करा था किसी को, क्या था वो ट्वीट था कि मतलब कोई डॉक्टर निम्बो यादव करके उसने करा था कि तेरी वीडियो में वो गाड़ी दिख रही है तेरी, नहीं तो किसकी है। तो लक्ष्य ने उस पर रिप्लाई करा है कि मेरी है, पकड़ के झूलेगा क्या भाई यार। मतलब वहाँ पे भी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है इस बात पे। तो एलविस यादव ने भी बोला कि मेरी नहीं है वो गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ आती है मीटअप पे, जरूरी थोड़ी है मेरी हो। और उस पर एक दो एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, सम्राट भाई ने भी सपोर्ट में ट्वीट करे हैं, मधुर भैया हैं उन्होंने एलविस ये वगैरह वो। अब ऐसा है ना कि एलविस यादव को लेफ्ट विंग वाले सारे जितने हैं ना, ये लोग ये पोक करने लग जाते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी छोटी सी भी बात हो चालू हो जाते हैं, ये वो, फिर डिवाइड हो जाते हैं लोग लेफ्ट विंग राइट विंग में, फिर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं हर चीज़ के लिए हर। तो ऐसा है, वहाँ पे नंबर प्लेट पे शायद, नंबर प्लेट से शायद गाड़ी के बारे में चेक तो कर ही सकते हैं, तो देख लो पता चल जाएगा किसके नाम पे है। और लोग यही बोल रहे थे कि बता दो किसके नाम पे। अभी शायद इसके लिए कोई ट्वीट वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन यार ये कोई गमले सुला रहा है उस पर, तुम उसको टारगेट कर रहे हो, उसकी वीडियो में दिखी थी, सेंस नहीं बना रहा। हाँ, जो भी है आगे पता चल जाएगा अगर बता देंगे कि किसकी ओन करी हुई गाड़ी है। और बाकी फालतू की बकवास है। और एलविस भाई का तो इसमें कुछ है भी नहीं भाई, मतलब कुछ भी, लोग कहीं से भी चालू हो जाते हैं हैशटैग गमला चोर ये। तो हम तो हमेशा से पता ही है किसी साइड है, हाँ लक्ष्य भैया, सम्राट भाई, मधुर भैया, एलविस भैया एक साइड, तो हम कैसे किसी और अदर साइड में हो सकते हैं। और बाकी वैसे भी ऐसा कंट्रोवर्सी ऐसे चले ना कि हाँ प्रूफ हो कुछ, उसी ने चुराए हैं उसकी भी, अब चुराए भी हैं किसी ने तो उस एलविस यादव ने थोड़ी चुराए हैं भाई गमले। यार हद हो गई है भाई, लोग ना फ्री बैठे हैं इतने। मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देख रहा था जो ट्वीट कर रहे हैं इस टॉपिक पे, मैं क्या है यार, तुम लोग इतने फ्री हो, कोई गमले चुराने वाली वीडियो वायरल हो रही है उस पर तुम किसी एक बंदे को पर्टिकुलरली पोक करने लग गए ये वो ट्विटर पे। अभी तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ये ट्वीट, मतलब जो ऐसी फालतू की बकचोदी चल रही है ना, तो ट्विटर पे बहुत इधर उधर पहलम पहुँच चल। लक्ष्य भैया ने तो भाई साहब कितने सारे ट्वीट करे, वो डॉक्टर ये वो जो है डॉक्टर निम्बो यादव को भाई साहब बहुत सारे। तो चलो कुछ नहीं, इससे पहले वाली क्लिप्स देख लो। बाय। कभी ख्वाबों में आऊं तेरी पलकों बरसे बसावन कौन मयंक, इसकी बात तू सुनोगे ना, मस्त कंटेंट मिलेगा तुम्हें अपने उसके लिए व्लॉग के लिए, लगता है बात सही है। बता भाई, दारू पी के मरा है और ठोक दी है, वो बता कैसे रहता है, बहुत अच्छे आदमी है भाई। चुप हो जा भाई। बोल रहा था भगवान ने बचाया था 2 दिन पहले दर्दनाक मौत देने। बोलता कैसे कैसा, भगवान ने बोला क्या बोलते हैं वो, भगवान ने बोला नहीं फांसी लगा के नहीं मरना तेरे को, इससे भी घटिया मौत तुमने। इसमें एक लाइन है यार इस गाने में, ये
खजरारे हैं ननु पे हम दिल हारे नैनो वादे किए कई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है दिल से कहूँगा नहीं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं वायर ऑफ वाले वो मार देंगे यार कॉपीराइट की ये यशराज वाले अरे यशराज वाले साले तुमको खता खुद को मिटाना इश्क करता हमारी बेटा वो तुमको बता इस गाने की एक लाइन है एक से भी यार कौन सी है ये वाली है सांसें पहले से जाना दिल धड़क मिल गया ओह गंगा घाट से है घाट किनारे सो जाए सुबह सुबह जागू तुझ में तू बन जा हुआ तेरा होने लगा क्या फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल ये बादल की चादर ये तारों क्या चो फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल ओए हो ये किसकी आवाज है बे सबसे एक माँ माँ लक्ष्मी है यार एक सीरियल में आता था ये गाना तब से फेवरेट है मेरा ये आता था हिटलर दीदी वाला जो सीरियल था ओह माय गॉड मैं आदित्य बोल रहा हूँ आप कौन है नहीं नहीं रॉन्ग नंबर है लड़की का कॉल है ना रॉन्ग नंबर सुबह सुबह प्रैंक करती है आदित्य कुमार मिश्रा इसको में सब है इसको में सब कुछ मुश्किल है इसको में सब आसान देखो मैं चाह रही ये पर ये दीवाने पर तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो अरे तीन नंबर मुझे बुला दीजिए हाँ तो रही है तेरे को भी तीन नंबर क्या अबे मैं तो ये भी आते हैं मेरे पैर छोटे हैं क्या मनीष भैया को भी आते हैं नीचे भाई तोड़ दोगे यार मेरी नहीं है पता नहीं घर में किसकी है मैं उसी की पहनने के लिए कौन से बैंक जा रहे हैं अभी हम सेक्टर 3 वाला क्या SBI
हर्षद मेहता हो जाओ। क्यों कर्जा कर्जा पैसा पैसा? अरे दो दिन में पहुँच जाता हूँ। पीएनबी में या एसबीआई? पीएनबी में भी है, अकाउंट तो खैर हर बैंक में ही है। नहीं नहीं ब्लर कर दूंगा। नहीं यार पता चले सही में ही कोई चालू हो गया, देखते ही कितने लोग हैं। 13-14 लोग। लेकिन मैंने पहली बार कोई काम देखा है एसबीआई में, वरना ये लोग इतने चिड़चिड़े रहते हैं ना कसम। कोविड में गवर्नमेंट जॉब जिनकी थी उनको तो मिल ही रहा था तब भी। क्या प्राइवेट वाले को आधी सैलरी तो मिली नहीं थी। हाँ मेन दिक्कत हो गई इनफॉर्मल सेक्टर में। अभी हम लोग पढ़ा रहे थे, हाँ एक रुपया नहीं मिला भैया मेरी फीस से। ये नहीं कि मैं महीने महीने भेज दूँ 50,000, इतना तो वो खुद ही नहीं कमा। ओ भाई लॉकडाउन में कोई नहीं आया, लेकिन पहले वाले में तो और ज़्यादा खराब किया था। पहले वाले में मेरी उनकी उसकी खास मूवी थी ना, हम लोग अलग। सेकंड टाइम में तो साथ में ही थे। हाँ देख लूँगी पहले वाले के लिए। ऑन ए सीरियस नोट कि कुछ भी मतलब ये इस टॉपिक पे जो कमला चोरी वाले जो जो भी है लेफ्ट विंग किसी विंग के भी लोग बोल लो, कोई बात तुम्हारी सेंस नहीं बना रही, प्रूफ ला के दे दो बात ख़त्म। अब तुम गाड़ी का नंबर दिखा के ये बोल लो कि उसने करी है तो फक ऑफ, चूतिया पा है तुम लोगों का। ठीक है कोई सेंस नहीं है भाई। अगेन मैं ट्यूशन के बाहर बैठा हुआ अकेले क्योंकि आज की क्लास जो थी कैंसिल हो गई ड्यू टू सम रीजंस, मतलब कि अनीस भाई के जो दोस्त हैं उनको शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है शायद, ये यही बोला है उन्होंने, कुछ भी हो सकता है झूठ भी बोल सकता है ऐसी बात नहीं है। तो मैंने फिर भी उसको कॉल करा था आ जा, अब अकेले नहीं रहा जाता और ये आ गया आ गया आ गया। हाँ बड़े लोग भाई पेपर वेपर दे के शांति से। जिम गया था? नहीं जिम क्यों जाना भाई, बैठो इधर भाई इधर बैठो। अरे वो मना कर दिया उनने तो आधे घंटे के बाद मना करा। नहीं करा हुआ था पहले, बकचोदी कर रहे थे इधर बैठ के, मतलब सब बैठे हुए थे तो मैं सोचा भाई। क्या कॉलेज गया था? हाँ पेपर था ना। कैसा गया? पढ़ के गया था? किसका था? बिजनेस क्या था? अरे पढ़ के नहीं, अबे क्या हुआ मैं यहाँ से गया, मैं घर गया खाना वाना खाना भी नहीं खाया। अच्छा मेरे वो जो बड़े पापा नहीं है उनके घर पे ना कोई गांव से आया हुआ था तो मिलने चले गए। वो आया खो गया वो यहाँ। तुम ढूंढने गए? अबे रात को 2 बजे तक ढूंढा पता तेरे को मैंने। और पता है वो कहाँ पे था? अकेले? नहीं मतलब सब लोग, अबे पूरे स्कूटी वगैरह पे सब लोग, गली पूरा वगैरह छान दिया पूरी रात में तेरे को, मेट्रो नन्ने पार्क मठियाला पूरा वो इंडस्ट्रियल एरिया सब। तो कहाँ पे था? ये आकाश पे हम लोग